कमाल है, मनोरंजन की दुनिया कभी भी कुछ भी हो सकता है. जस्ट इन केस यू मिस समथिंग, टेक अ लुक. भाग्य की नई शुरुआत है और शायद ये पहली बार हुआ होगा कि सीरियल के पहले दिन वाली शूटिंग में हमें दीदार हुए हीरो के, जिसका नाम है राजवंश. ये आदमी बहुत बड़ा है, हम सबसे ऊपर हंसते हैं, हंसते हैं, उसके लिए जो करना पड़ेगा. अब राजवंश का किरदार कोई और नहीं है बल्कि अबरार काजी निभा रहे हैं और इस बार ये किरदार इनका अब तक के सारे किरदार से अलग है. आई एम रियली हैप्पी, आई एम सो हैप्पी क्योंकि इतना मजा आ रहा है. पहले दिन ही मेरे को ऐसा लग रहा है कि आई फील लाइक मैं एडजस्ट हो गया हूँ इन लोगों में. इतनी अच्छी टीम है, दे आर सो गुड, सब अपना काम इतना अच्छे से कर रहे हैं और सब कुछ सॉर्टेड है यहाँ पे. बहुत अच्छा लग रहा है और सीन भी बड़ा अच्छा लिख के आया है मेरा, सो इसको करने में भी बड़ा मजा आ रहा है. आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई लव दिस. अबरार काजी ने एक ही शो ये है चाहते में रुद्र और सारांश का किरदार निभाया था, तो अब कुमकुम भाग्य में राजवंश का किरदार निभा रहे हैं. ये लड़का सबसे टॉप का बिजनेसमैन है और गुस्सा तो इसकी नाक पर बैठा हुआ है. तुम्हें क्या समझ रहे हैं, क्या दिखना चाहते तुम लोग कि ये कंपनी आर्मी कॉर्प से ज्यादा परफॉर्म कर रही है? हां, ये दिखना चाहते हो क्यों? क्योंकि ये पोकरा की सबसे पुरानी कंपनी. लेकिन सर, इनका फैक्ट शट, आई डोंट गिव अ डैम, आई डोंट गिव अ डैम. टेढ़ा सा कैरेक्टर ही है, अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर है. गुस्सा इसको बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत ही इम्पल्सिव नेचर का इंसान है. बट धीरे धीरे इसके शेड्स खुलेंगे और पता चलेगा कि आगे भी इसके अंदर भी एक दिल है, अच्छा इंसान है, वो भी पता चलेगा. बिजनेस में अगर कोई राजवंश की कंपनी को पछाड़ दे तो उसे बर्दाश्त नहीं होता है. अब जनाब, जब आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना, तो रुकिए रुकिए, कुछ ऐसा ही आगे आपके साथ होगा जहाँ पर पूर्वी नाम की लड़की आपकी जिंदगी में आएगी और हमें लगता है कि उसने आपके ऑफिस में दस्तक भी दे दिया है. कौन सी केटरिंग कंपनी है? सर, कोई लोकल सी छोटी कंपनी है, कुमकुम भाग्य केटरिंग. कुमकुम भाग्य ये कंपनी चलाती है जो सालों पहले सरला माँ और प्रज्ञा चलाया करते थे, यानी कि अब वही वाली कहानी पूर्वी के साथ भी दोहराई जाएगी. हाँ, थोड़ा बहुत प्रेशर तो रहता है ऑफ कोर्स, क्योंकि इतना बड़ा शो है और उन लोगों ने इतने टाइम से इसको चलाया है. थोड़ा तो नर्वसनेस होती है, बट आई होप कि लोगों को पसंद आया यार हमारी नई जोड़ी और हमें वही प्यार मिले जो उनको मिलता है. हम पूरी कोशिश करेंगे लोगों को एंटरटेन करने की, फैंस को उनका दिल जीतने की. पूर्वी और राजवंश एक दूसरे से मिलेंगे तो सही, लेकिन राजवंश का मकसद ना कुछ और ही होगा. जहाँ तक मुझे पता, शायद प्राची और रणबीर भी शो में हैं अभी, तो फैंस को डरने की जरूरत नहीं है, हम सभी मिलके उनको एंटरटेन करेंगे. फिलहाल फैंस को डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि प्राची और रणबीर भी इसका हिस्सा रहेंगे. एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.